हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज का जो वीडियो है वो कर्व में ये जो रिस्टोर रिमूव कर्व्स हैं उनके ऊपर है कि ये कमांड जो है काम कैसे करता ठीक है, कहाँ इसका यूज होता है। तो इसका सिंपली यूज़ ये है कि जो भी सरफेस बनती है ठीक है, हर सरफेस के बाद में एक बैकअप कर्व का ये काम करता है कि यहाँ से बैकअप कर्व ले सकते हैं इससे। ये आपको एक मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक। ये सेक्शन चलाया मैंने सेमी स्केल, और ये लीजिए, ये अपना सरफेस रेडी हो चुका है। जो कर्व इधर और इधर बने थे वो यूज आ चुके हैं, अभी अपने पास कोई कर्व नहीं है। और सोचिए अगर आगे फ्यूचर में कभी भी, यानी कि मैंने इस फाइल को बनाया, सेव किया और क्लोज कर दिया सॉफ्टवेयर, अब मुझे 2 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 साल बाद में अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ और मुझे यहाँ से अगर कोई कर्व की नीड है ठीक है, तो मुझे वापस एक कर्व बनाना पड़ेगा इसके पास पास पास। अगर रिपेयर होती है फाइल तो मुझे वापस एक कर्व पूरा इसके पास में बनाना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी सरफेस बनता है उसका बैकअप कर्व जो है, ये मैं इसको एक बार साइड में करता हूँ ताकि आपको वो पता चले ठीक है। कर्व रिस्टोर, जो भी कर्व बना के अपन ने सरफेस बनाई थी तो उसका वापस से कर्व आ जाएंगे। तो इस कमांड का बस इतना सा यूज है, और सेकंड ये एक ही बार आता है। अभी मैं इसको वापस साइड में कर देता हूँ और रिस्टोर करता हूँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो एक ही बार कर्व देगा। हाँ, अगर मैं इसको वापस से सरफेस में कन्वर्ट कर देता हूँ ठीक है, अभी दो हो गए सरफेस, अब मैं इसको मूव करा देता हूँ आगे ताकि वो जो कर्व आए वो दिखे, आएगा बिल्कुल उसी जगह, ये कर्व उसी जगह आएगा जहाँ जैसा बनाया हुआ और जैसा बनाया था एग्जैक्ट वैसा ही आएगा। जैसे इसके सीवी ऑन करके हमने सरफेस क्रिएट किया था तो ये कर्व आएगा, वो भी सीवी ऑन होके आएगा। अगर ये सीवी ऑफ करके और फिर कुछ बनाते, ये मैंने सीवी ऑफ करके बनाया है और इसको साइड में कर देता हूँ, ये देखिए ये भी सीवी ऑफ होके आया है ठीक है। तो बस आज के क्लास में यही एक टूल का बताना था, जो कि एक व्यूअर ने पूछा था कि इतने मिनट पे जो है ये करूँ कहाँ से आया, वो मैं समझ गया था वो रिस्टोर करूँ की बात कर रहा है, तो ये उनके समझ में नहीं आई ठीक है। तो वो मैंने कर्व रिस्टोर किया था उस टाइम पे ठीक है गाइस। तो मिलते हैं और दूसरे किसी वीडियो के साथ ठीक है। थैंक यू।